हे गाइस, व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि डिप्लोमा के बाद सैलरी कितना मिलेगा, इस पर मैं बात करूँगा, इन डिटेल बात करूँगा। तो मेजरली जो बच्चे एडमिशन लेते हैं बीटेक डिप्लोमा में, ये मेजर ब्रांचेस हैं, इनमें एडमिशन लेते हैं। आफ्टर टेंथ बहुत सारे बच्चे लेते हैं, आफ्टर ट्वेल्थ बहुत सारे बच्चे लेते हैं डिप्लोमा में। इस वीडियो बना के रहा हूँ दो वजह है। पहला, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कि एवरेज सैलरी कितना मिलेगा, ठीक है, पहला। और दूसरा क्या है, बहुत सारे बच्चों को क्या है ना, थोड़ा सा गलत इन्फॉर्मेशन है। कल ही मेरे वीडियो में कमेंट आया था, क्या कमेंट आया कि मुझे कुछ नहीं पता है, मतलब मेरे को कुछ भी नहीं पता है। किसके बारे में? डिप्लोमा के बारे में। क्यों ऐसा बोल रहे हो बच्चा? बिकॉज मैंने बताया कि डिप्लोमा का कितना सैलरी मिलता है, 10,000, 12,000, 15,000, 18,000, ये सैलरी मिलते हैं, मैंने बोला उस वीडियो में, इन जनरल एवरेज बच्चों को। तो उस बच्चे ने क्या कमेंट करा, भाई डिप्लोमा के बाद एवरेज में 25,000 से 30,000 सैलरी मिलता है। अब पता नहीं ये इन्फॉर्मेशन उसको किसने बताया, आई डोंट नो। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको इन डिटेल बोलूँगा। 25,000 सैलरी इन हैंड मतलब क्या है? आपका ऐसे देखो कितना, 3 लाख का आपका पैकेज होना चाहिए, बट CTC कितना होना चाहिए, 3.5 के आसपास। 30,000 सैलरी मतलब कि आपका पैकेज होना चाहिए 4.2 के आसपास, फिर 30,000 इन हैंड सैलरी आएगा। भाई साहब, बीटेक के बाद इतना पैकेज मिलता नहीं है मैकेनिकल वालों को, इलेक्ट्रिकल वालों को, सिविल वालों को, बहुत सारे ECE वालों को, कुछ CSE को मिलते हैं 3.6, 4.2। तो कैसे 25,000 से 30,000 क्या किसी को नहीं मिलते हैं पैकेज? ये आपके दिमाग में बात होगा, ऐसी बात नहीं है। जब मैं यहाँ पर एवरेज लिख दिया तो मैं एवरेज ही बात करूँगा, मैं हाईएस्ट पैकेज की बात नहीं करूँगा, अगर बात करेंगे ऐसे तो। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगा एवरेज पैकेज क्या है और हाईएस्ट पैकेज मेरे जो अब तक स्टूडेंट्स ने पढ़ाई किया है, जो मेरे से कॉन्टैक्ट करते हैं, कितना मिला है अब तक। मैंने देखा है कुछ कॉलेजेस में अच्छे पैकेजेस मिलते हैं डिप्लोमा में। अच्छे पैकेजेस मतलब कितना होता है, 20,000 से 30,000 सैलरी, ये अच्छे पैकेज माना जाता है। हाईएस्ट पैकेज बात करोगे, मैंने अब तक सुना है जो मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे को बताया है, 8 लाख लगा है, बट वो बहुत कम बच्चों को लगा है। 8 लाख बीटेक के बच्चों को मिलता नहीं है। अब बोलेंगे सर, आप बोलते हो बीटेक 20-30 लाख का पैकेज लगता है, वो भाई सबको नहीं लगता है। जितने बीटेक पढ़ते हैं हर साल 8 से 10 लाख बच्चे पढ़ते हैं, उनमें से सिर्फ 5 से 10% बच्चों को बहुत अच्छे सैलरी मिलता है। हद मार के 15 से 20% बच्चों को अच्छे सैलरी मिलता है। 20% बच्चे मतलब कितना हो गया आपका, कितना रेंज हो जाएगा सैलरी, 10 लाख से लेके 30 लाख तक का। IIT में या NIT में जो टॉप के हैं, नए वाले नहीं, टॉप के गिने चुने 15 हैं, उनमें जो एवरेज पैकेज लगता है उसमें खाली CSE का ही बहुत अच्छा पैकेज लगता है, फिर ECE का, फिर इलेक्ट्रिकल का। CSE का कुछ कॉलेजेस में अच्छे पैकेज हैं, 35 लाख 40 लाख तक का है, ECE का 25-30 लाख तक का है, इलेक्ट्रिकल का 20 लाख तक का है, मैकेनिकल का 15 लाख तक का एवरेज पैकेज है, ऐसे कहानी है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये जो पैकेज है वो ब्रांच पर भी, जो ब्रांच क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो ये 25,000 से 30,000 सैलरी क्या किसी को नहीं मिलता है? मिलता है जो बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ते हैं, और डिप्लोमा में बहुत अच्छे कॉलेजेस इंडिया में गिने चुने हैं, और ये बहुत अच्छे कॉलेज बीटेक में बहुत हैं, डिप्लोमा वाला कॉलेजेस कम हैं। बीटेक में जो बोला मैंने आपको, सुप्रीम कॉलेजेस हैं, मतलब बहुत ही सुपर्ब कॉलेज हैं, उनमें एडमिशन बहुत कम को मिलता है, और उन्हीं कॉलेज में जो पढ़ते हैं 5 से 10% बच्चों को 50 लाख से अबव का पैकेज लगता है। पैकेज अलग चीज़ है, पर मंथ सैलरी अलग चीज़ है, बेसिक अलग चीज़ है, वेरिएबल अलग चीज़ है, ग्रॉस सैलरी अलग, एवरेज ग्रॉस सैलरी अलग होता है, एवरेज CTC अलग होता है। तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं, इनमें लोग उलझ जाते हैं, फिर वो फंस जाते हैं, ऐसी बातें बहकी बातें करते हैं। तो क्या सही में 10,000 का पैसे मिलता है डिप्लोमा वाले को? मिलता है भाई। बहुत से लोगों को 10,000 का नौकरी मिलता नहीं है, 12,000 का मिलता है, 15,000 का मिलता है, 18,000 का मिलता है। तो बहुत से क्या करते हैं, अपना पैकेज थोड़ा सा एलिवेट करके बोलते हैं, भैया मैं आपको एक सलाह देता हूँ, पर्सनल सलाह, आप इतने पैसे कमाओ कि आपका सैलरी आपको कम करके बताना पड़े, क्योंकि दूसरे बंदों को बताओगे उसको बिलीव ही नहीं होगा, इसलिए कम करके बताओ, उसको समझ में आए, हाँ भैया सच ही बोल रहा है,
मतलब आप झूठी बोलोगे उसको, लेकिन लगेगा सचाओ इतना ही होगा और कैसा इतना होगा, समझ रहे हो। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी आपके पास तभी आएगा जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे, सुस्त नहीं हो जाएंगे, तब आएगा, जरूर आ जाएगा। टाइम लगेगा थोड़ा सा अगर आप टीयर 3 कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो। एवरेज पैकेज कितना मिलेगा भाई डिप्लोमा के बाद, आप मिला के चलो अभी इतना मिलेगा, ये ओवर टाइम थोड़ा मिला दिया मैंने, और इधर से इधर और यहाँ तक पहुँच सकता है आपका पैकेज 20,000। इन हैंड सैलरी की बात कर रहा हूँ, वो सिटी से क्या मतलब है, पैसे हाथ में नहीं आए तो क्या फ़ायदा, ठीक है जी। ओके, अब बोलोगे सर एक बात बताओ, 10 साल बाद कितना पैकेज मिल जाएगा, फिर 5 साल बाद कितना पैकेज मिल जाएगा फिर। तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें बताऊँगा, बिकॉज आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं, इसलिए ये चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड फर्स्ट कमेंट में है, ठीक है। ओके, सो देखो यार, डिप्लोमा का एक ही प्रॉब्लम है, वो क्या है, ग्रोथ। कुछ टाइम बाद इसका ग्रोथ रुक जाता है। खाली डिप्लोमा नहीं है, बहुत सारे कोर्सेज इंडिया में हैं जिनका ग्रोथ का लेवल कुछ टाइम बाद सिकुड़ सा जाता है, मतलब उस लेवल का ग्रोथ मिलना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज उस फील्ड का उतना पेइंग कैपेसिटी ही नहीं है। तो डिप्लोमा के बाद क्या होता है, एक टाइम बाद, कितने टाइम बाद, लगभग 5 ईयर्स बाद आपको जितना 5 ईयर्स तक ग्रोथ मिलेगा, उसके बाद ये उस तरह ग्रोथ नहीं मिलेगा, फिर 56-58 ग्रोथ मिलेगा। मतलब 5 साल तक आपको हो सकता है हर साल 10%, 20%, 30%, 40%, 50% ग्रोथ मिल जाए, मतलब 20 हज़ार सैलरी था, 50 हज़ार तक पहुंच जाओगे, 60 तक पहुंच जाओगे, उसके बाद ग्रोथ रुक सा जाएगा, फिर 60 है तो 70-80 नहीं होगा, 61 हो जाएगा, 62 हो जाएगा, बिकॉज कंपनी में पेइंग कैपेसिटी नहीं होगा आपको उतना पे करने के लिए उस पोजिशन के लिए। तो जितने बच्चे डिप्लोमा पढ़ते हैं उन सबको मैं रिकमेंड करता हूँ, इसलिए भैया बीटेक कर लेना। आप बहुत से बोलेंगे मेरे पैसे नहीं है क्या करूं जी, पैसे का प्रॉब्लम है भाई, 2 साल जॉब कर लो फिर बीटेक कर लेना, लीड के एग्जाम दो, सरकारी में एडमिशन लो, सस्ते में निपट जाएगा, बीटेक कर लेना, एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर दो, बात कर लो थोड़ा सा आसपास जो ब्रांचेज हैं उनमें मिलने का चांसेस है तो उधर बीटेक कर सकते हैं आप। कहानी सुना रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माई डियर फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड कि भैया डिप्लोमा के बेस पर जिंदगी भर नौकरी करोगे तो फंस जाओगे। तो 5 साल में अगर मान लो आप स्टार्ट कर, तो सैलरी कितना होगा, 20 हज़ार स्टार्ट कर रहे हो 50 पहुंच जाओगे, 40-50 पहुंच जाओगे, 15 स्टार्ट कर रहे हो तो 35-40-50 तक, 40-45 पहुंच जाओगे। ये सैलरी डिपेंड करेगा फिर किस पर, कौन से कंपनी में आप काम कर रहे हैं। 8 घंटा सेम काम करना है हर कंपनी में, बड़ी कंपनी होगी तो ज़्यादा सैलरी होगा, छोटी कंपनी होगी तो कम सैलरी होगा। बड़ी कंपनी में जॉब करने के लिए आपको उस लेवल का स्किल चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा चाहिए, कम्युनिकेशन बेटर करने क्या करना होगा, आपको अंग्रेजी आना चाहिए, अंग्रेजी आपको सीखना होगा। आप लोग कहाँ सीखें भाई, हम सिखाते हैं आपको, अंग्रेजी सिखाते नहीं खाली, उसमें इंग्लिश सिखाते हैं, आपके मार्क्स कैसे इंप्रूव हो वो सिखाते हैं, कैसे पढ़ाई करना है वो भी सिखाते हैं, टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल एजुकेशन हो कुछ भी एजुकेशन हो। उसका लिंक कहाँ मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, 100 रुपये का डिस्काउंट के लिए, उसका भी डिस्काउंट कोड भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप ले सकते हैं, दिस इज दैट इज मस्ट, ठीक है। बिकॉज जो वो चीज़ मैंने खुद पढ़ाया है, मैंने इस फील किया है, बहुत प्रॉब्लम मेरे को आया था अंग्रेजी में, बट आपको नहीं आएगा, इफ़ विल गो थ्रू द कोर्स प्रॉपर वे, थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो यू विल फील द डिफरेंस विद इन 1 मंथ, ठीक है। डेली 1 घंटा तो उधर सेट। कहानी यहाँ तक समझ में आ गया जो बताने की कोशिश कर रहा मैंने, तो भाई ये था कहानी आपका डिप्लोमा के बाद एवरेज सैलरी कितना होता है। तो इस चक्कर में खाली मत पड़ना, जो सच्चाई है, जो ट्रूथ है, जो हकीकत है, उससे अटैच रहना, बड़ा अच्छे वाला लाइफ आप जिएंगे, ठीक है। इतना ही था, लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।